हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग? और ये है सहजानपुर का शहीद पार्क। तो आई हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और घूमने में भी मज़ा आ रहा है। पहले गई थी हनुमत धाम से फिर इधर आ गई, और क्योंकि आपको मैंने बताया ही है कि रिपोर्ट मिलने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, तो सोचा फिर कहाँ रुकते, हॉस्पिटल में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर घूमने ही में ही इधर आ गए। और कभी आए नहीं हैं, पहली बार आई हूँ इधर। और ये जस्ट मतलब हॉस्पिटल के ही मतलब थोड़ी दूर पे है ये, तो अच्छा लग रहा था, सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं शहीद पार्क, जो सहजानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है। और आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे फुलवारी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, और सभी लोग यहाँ पे घूमने, क्योंकि तीन बजे का टाइम है, और बस धीरे धीरे सभी लोग आने लगे थे यहाँ पर घूमने के लिए। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम भी बहुत ही ऐसे ही था, बहुत ही मतलब धूप कम थी, मतलब हल्का मौसम ही ख़राब था इस तरीके से, तो यहाँ पे घूमने में अच्छा लग रहा था। कितने अच्छे अच्छे फ्लावर हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग को ढेर सारा मुझे प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही बनाए रखें सपोर्ट, बस यही चाहते हैं। और बस देखने में मन का सुकून मिलता है यहाँ पे, मतलब दिल में एक जो मतलब ऐसा भारीपन था ना, वो बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। और यहाँ पे एक मतलब एक अजीब सी खुशी ही महसूस हो रही थी, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए अमर शहीद था क्या रोशन सिंह है, इनका यहाँ पे इनके बारे में लिखा है सब कुछ। और ये है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, और आप सभी लोग देख लीजिए, अच्छा लगता है। ये सब मैं तो पहली बार देखने आई हूँ। यहाँ पे जितने शहीद हैं ना, उनके सारे स्मारक बने हैं। और ये है अशफाक उल्ला खां, तो जो कि इनका जन्म तिथि और इनका मृत सब लिखा हुआ है। और एक अच्छा लगा कि मतलब इतने मतलब हमारे लिए ये लोग शहीद हुए, और आज हम लोग यहाँ पे कितने घूम रहे हैं, और सच में इन्हीं सभी की वजह से आज हम बहुत आज़ाद होकर घूम रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती की, और ये सब कभी झूलों में बैठी ही नहीं हूँ, तो सोचा चलो बैठ के देखती हूँ। तो ये देखिए साइकिल चला रही हूँ, और मेरा बेटा है अर्जुन, वो वीडियो बना रहा है, जो साड़ी पहन के साइकिल आ रही है, और थोड़ी सी बच्चों जैसी मस्ती आ गई मेरे अंदर। और अच्छा लगता है यहाँ ऐसी जगहों पे, अच्छा लगता है। और जो यहाँ के लोग रहते हैं सहजानपुर के लोग, तो मतलब आते रहते हैं अपने शाम टाइम, मतलब और गर्मियों का महीना चला है, और भी अच्छा लगता है। और छोटे छोटे बच्चे आकर यहाँ पे खूब मौज मस्ती करते हैं, अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था। बस ये है बचपन, हम लोगों को ऐसा कभी पार्क मिला ही नहीं, हमारे यहाँ पार्क है भी नहीं, और ना ही मेरे यहाँ पुआए में बिल्कुल पार्क वगैरह कुछ है ही नहीं। और अब तो जगह जगह पार्क बने हुए हैं, पता नहीं कब मेरे यहाँ हमारे इधर कब बनेगा कब नहीं। ऐसे बन जाए तो फिर बच्चों के लिए बहुत ही सुविधा हो जाए, और जब शाम को बच्चे खेलने के लिए वहीं पर जाए, तो कोई ऐसी जगहें नहीं है जो घूमने के लिए। और यहाँ पर मैं झूला झूल रही हूँ, तो बताइएगा कि सहजानपुर का पार्क कैसा लगा। और बहुत दिनों के बाद बचपन में झूलती थी, और इसके बाद ही आज मैं झूली हूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील लग रहा है कि मतलब कितना झूलने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। इसके बाद दूसरा मतलब जो पैडल वाला है, सब एक्सरसाइज वाले हैं, अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर। और फ्रेंड्स, जो भी नया आता है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक कर रखो और आगे पीछे करो, सभी का सपोर्ट तो हमें बहुत जरूरी है। सभी चीजें ट्राई कर रहे थे, सभी चीजें देख रही थी कैसे क्या चलेगा, और ये मैं आगे पीछे कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर रही हूं।
इससे पहले मैं कभी नहीं, सच में बताऊं नहीं बोलूंगी, इससे पहले मैं कभी इन चीजों को देखूंगी ना, मतलब इस इन चीजों को ट्राई किया है, हमें तो झूले नहीं मिल रहा, आप झूल रही हो, जैसे जैसा का मतलब खींचा था फोटो ही तो खींचा था तुमने, अभी उतरे कैसे, थोड़ी सी मस्ती है अभी, तुम्हें झूले जिंदगी में तो लेना ही चाहिए, पेड़ लगाना है, ये सब देख रही थी। अरे नहीं ये नहीं, मतलब इनमें बहुत ताकत लग रहा था, ये नहीं अरे है जे रहन दो, जे रहन दो, कि है सब लोग पार्क में एक्सरसाइज कर ले तो बहुत जल्दी मन हल्का हो जाएगा। और ये देखिए अपने मतलब अपने शरीर को भी उठाना है, दिन में पेट कम हो जाएगा, रोज सुबह रहे हो तो बेटा कह रहा था कि मम्मी कर पाओगे, हमने कहा हां क्यों नहीं, कोशिश सब चीज हो जाता है ना। और सारा घूम लिया, अब इसके बाद ये इधर आए हैं सब कलर के, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन खड़ी है, इसे बच्चों को घुमाते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी फुलवारी है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद मैं घर आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल के लिए क्या क्या लाई थी और राधा जी के लिए। तो ये सबसे पहले ये हमारी राधा रानी के लिए चुन्नी है, यानी कि मतलब ओढ़नी, और ये एक ये है ओढ़नी। और सजानपुर में सच में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखिए ये लड्डू गोपाल के लिए और सिंपल सा लाई हूँ, और ये भी लड्डू राधा जी के लिए एक लाई हूँ, और ये है राधा जी के बाल कैसे लग रहे हैं। और मैं सोच रही थी पता नहीं यहाँ पे मिलेगा नहीं, पर सजानपुर में हर चीज़ मिल जाता है और मैं जान गई हूँ। और ये लड्डू गोपाल के हैं बाल, और मेरी इधर तो मतलब हर चीज़ नहीं मिलता है। ये मुकुट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, और मतलब थोड़ा बहुत ले आई हूँ जो चीज़ ज़रूरत है। और ये है लड्डू गोपाल के लिए, और सेम लाई हूँ हार लड्डू गोपाल और राधा जी के लिए एक जैसा लाई हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि छोटे से तो हाई हैं तो उनके पर अच्छा लगेगा, और ये सब लाई हूँ। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा है। और ये देखिए ये राधा जी के लिए चोटी लाई हूँ, चोटी भी मिल गई थी तो सोचा तो ले ही लेती हूँ, मतलब लगे हाथ, क्योंकि इन चीज़ों का मतलब यहाँ हमारे इधर बिल्कुल नहीं मिलता है। और एक ये लाई थी हार और मुकुट का सेट लाई थी लड्डू गोपाल के लिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये जो काला धागा है ये हटा